हेलो एवरीवन टू ऑल माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको 22x49 फीट में एक खूबसूरत प्लान, जो कि इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ प्लान, हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सेंड करने वाले को एंड देखिए उनका द्वारा। अगर आपके पास भी कोई हाउस प्लान्स है जिस तरह के फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइंस, खूबसूरत कोई प्लान्स है तो सेंड कर दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, जिसके अंदर देखिएगा यहाँ पर एक बेडरूम, दो बेडरूम हो गया, फिर एक हॉल है, फिर यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया, किचन, एक कार पॉर्च है, फिर यहाँ पर एक वरंडा, सामने थोड़ा सा छोटा मोटा पेड़ आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान बनाया गया इंजीनियर के द्वारा। एंड वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दूंगा इसके अंदर और फुल व्यू भी दिखा दूंगा। देखिएगा मेन रोड है, यहाँ से मेन गेट ईस्ट फेस के लिए, अकॉर्डिंग टू वास्तु ईस्ट फेस के लिए एकदम बराबर है। एंड एक घर के अंदर सीढ़ियाँ लिए गए, मतलब एक डुप्लेक्स हाउस की तरह एक्ट करेगा ये। यहाँ से पॉर्च, पॉर्च के अंदर गेट, बट यहाँ पर देखिएगा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें टोटल जगह है 10x14 फुट 4 इंच, ठीक है। ये आपका रोड लेवल से 2.5 फीट तो ऊपर रहेगा, पार्किंग लेवल 2.5 फीट से, और एक 2.5 फीट मतलब 5 फीट से लेके 6 फीट तक आपका बेसमेंट लेवल रहेगा। तो इसके अंदर घर के सामने एंटर होने से पहले आप एकदम 3 फीट ऊपर तो चढ़ाई नहीं कर सकते, 3-3.5 फुट। उसके लिए क्या रहता है, कम से कम एक कट्टा रहता है घर के सामने। वो कट्टा कितने बाय कितने का, कम से कम कुछ नहीं बोले तो भी 3x2 फीट का रहता। फिर उसके बाद और एक स्टेप आता, तो इसके अंदर आपको कम से कम 2-3 फीट चले गया। हाँ, फिर बच गए आपके पास 11 फीट 4 इंच, 11 फीट तक बच जाएगा। तो 10x11 में आप कार पार्क तो कतई नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर एक 6 इंच का जगह चले जाता कंपाउंड वॉल, बच गए आपके पास 10.5 में से। अगर घेर में रहा कार तो एकदम आप सडन से सीधा कट्टे कुछ मार देंगे तो वो पूरा बैंड सब कुछ हो जाएगा। तो 10x14 फुट के अंदर अगर क्लियर स्पैन रहा तो ही आप बना सकते, इसमें क्लियर स्पैन नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर देखिए गए ड्राइंग रूम 11x2x14 फुट का है। यहाँ पर मेन डोर आप कम से कम ले सकते हैं, 5 फीट का विंडो डोर लीजिएगा अच्छा रहेगा। और ऐसे थोड़ा बहुत जो क्रॉस लग रहा है फिर भी बहुत ही बढ़िया से एडजस्ट किया गया इंजीनियर के द्वारा। यहाँ पर डाइनिंग एरिया ऐसा, सामने देखिएगा एक बेडरूम ली गई है 10x10x15 7 का, और यहाँ पर एक टॉयलेट रूम 7x14 फुट। फुल वे में आप देख रहे हैं ना, एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिकॉज आप बहुत बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं है। ये आपका बेडरूम 10x10x15 फुट 7 इंच का। यहाँ पर टॉयलेट है, टॉयलेट रूम जिसका साइज है 7x4 फिट का टॉयलेट रूम बनाई गई है। फिर देखिएगा यहाँ पर एक ओपन वॉश 14x4 फिट में, एक ओपन वॉश मतलब वो आपके लिए वेंटिलेशन का भी वर्क करेगा और वॉश करने के लिए भी, तो सबके लिए ऑल इन वन है समझो। फिर देखिए ये डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से आप एंटर होते हैं 10x6x14 फुट 4 इंच का, पूरा जितना हॉल है उसी तरह डाइनिंग एरिया मिलेगा। एंड स्टेयरकेस से आप अप कर सकते हैं, ये भी सही है। स्टेयरकेस यहाँ से आप, यहाँ से फर्स्ट चढ़ाई और यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से चढ़ाई करें तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत, बिकॉज किसी को भी फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो फिर ये यू टर्न, फिर जेड शेप में टर्न लेना बोले तो थोड़ा बहुत कुछ मुश्किल है। तो ईजी यहाँ से रहता, बट सबका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है समझो। तो यहाँ से लीजिएगा अप होने का, यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर को रीच होना। इधर एक बेडरूम दी गई है, बेडरूम का साइज़ लगभग आपको 10x6x15 फुट 7 इंच में सेम एज यूजुअल। तो इसका लगभग आपको खर्चा पड़ सकता है करीब 15 लाख रुपए खर्चा पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, और एक 10 लाख समझ सकते हैं आप। सो 25 लाख के अंदर एक खूबसूरत बढ़िया सा घर बन जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आज मैं आपको दिया हूँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएगा। एंड आने वाले समय में आपको इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर मिलते रहेगा। एंड कॉलम का पोजिशंस बता दूँगा मैं, यहाँ पर एक कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर आ जाएगा। कॉलम का साइज़ कितना लेना, 9x15 इंच का लीजिएगा, सबसे बेस्ट, प्लिंथ बीम कंपलसरी यूज़ कर लीजिएगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रहेगा। तो ये कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में दिया हूँ। एंड आने वाले समय में आपको इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे चैनल
मेन चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, वीडियो को पूरा अंत तक देखें एंड इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहेगा, धन्यवाद।